हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं काबुली चने से हरे भरे कबाब, जो कि डायबिटिक के लिए यानी जिसे शुगर है, चाहे जिसका वेट इंक्रीज हो रहा है या फिर जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए काबुली चना 150 ग्राम, या मैंने उसे कुकर में 2 से 3 सीटी दे दी थी ओवरनाइट सोक करने के बाद। इसके बाद इसमें जो हम ऐड करने वाले हैं वो है पालक। बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोई कलर नहीं हमने इस्तेमाल किया है। पालक के फ़ायदे भी आपको पता है, मैंने इस पालक को बॉईल कर लिया था, बॉईल करके निचोड़ लिया है, पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए इसमें। पालक हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं इसमें प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, बिल्कुल बारीक हमने काट लिया है। ये सब आप डायरेक्टली मिक्सी में भी डाल सकते हैं, बट बाउल में मैं आपको क्लियर करके दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बाउल यूज़ किया है। इसमें हम डालने वाले अदरक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, छोटा सा टुकड़ा हरी मिर्च और ये लहसुन। आपको इसको क्या करना है, तीनों को चीज़ों को बारीक बारीक काट के इसमें डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे हम बड़े बड़े पीसेस करके क्यों नहीं मिक्सी में डाल रहे। नहीं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आप इसके अंदर जाएगा, इसलिए बहुत बारीक बारीक काटा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। पहले हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ नमक हमने डाला। उसके बाद हम डाल रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला नहीं है तो आप भुना हुआ जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने डाला हींग ताकि और भी अच्छा सा टेस्ट दे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने डाला है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्का से कलर आने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून के अराउंड। इसको हमने मिक्सी कर लिया, पानी नहीं ऐड करना है आपको। अगर पानी ऐड करना चाहते हो तो बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है आपको। अब हम डालेंगे चावल का आटा, एज अ बाइंडिंग एजेंट हमने डाला है इसको। आप अगर चावल का आटा नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं, इवन आप इसमें सूजी डाल सकते हैं, और वो मुरमुरे कहते हैं ना जिसे, वो भी आप पीस के डाल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जितना भी मॉइस्चर होता है ना किसी भी मिक्सचर में, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लस इसको अच्छा सा डो जैसा, आटे जैसा बना देते हैं, ताकि जब आप इसे फ्राई करें या शैलो फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। अब हम अच्छे से इसको आटा डालने के बाद मिक्स कर देते हैं। तो जो भी दाने अगर आपको खड़े खड़े लगेंगे तो आप उसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा दरदरा पीसना है, चाहे आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्सचर को चेक कर लेते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा है। बस 15 मिनट रख देते हैं ताकि जो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब हो जाए। 15 मिनट बाद खोलिए, अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तो काफ़ी अच्छा सा मिक्सचर बन चुका है, देखिए इस तरीके से हाथों से आप दबा के देख सकते हैं, देखिए बाइंड हो रहा है अच्छा खासा। तो एक हम टिक्की अभी तैयार कर लेते हैं, ये टिक्की ट्रायल के लिए होगी। फर्स्ट आपको ना हल्का सा शैलो फ्राई करके एक टिक्की चेक करनी है। कई बार होता है कि ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में, तो पहले हम एक प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करके चेक करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है, इवन आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। मैंने ये कहीं खाया था, सो ये बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि हम इसमें आलू नहीं ऐड कर रहे हैं, और जो चिक्पी यानी काबुली चने का जो टेस्ट है वो बहुत ही ऑसम है इसमें। मतलब बिल्कुल ही लगेगा नहीं कि आप टिक्की खा रहे हैं, बहुत ही अलग और डिफरेंट स्टाइल है। आलू वालू की बिल्कुल सेम लगती है, पर ये बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आलू हो गया, अच्छा चिकन हो गया, उसके बाद थर्ड कैटेगरी अगर ली जाएगी तो उसकी ली जाए, बहुत ही डिफरेंट है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इतनी तारीफ इसकी क्यों कर रही हूँ। इसको हल्का सा हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करना है आपको, जब आप डालेंगे तो इसके ना एक टिक्की के पार्टिकल मेरे टुकड़े टुकड़े होकर ऑयल में गिरने नहीं चाहिए। देखिए गिर रहे हैं ना, पर इतना नहीं गिर रहे हैं, बट गिर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हमें क्या करना है, मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं, थोड़े से मिनट के लिए, लाइक हम उसको 10 मिनट्स और रख देते हैं मिक्सचर को। या तो आप अगर इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप सूजी और ऐड कर दीजिए, या फिर चावल का आटा। थोड़ा टाइम हमने दे दिया था मिक्सचर को। अब देखिए, अब मैंने फ्राई किया है तो उसमें अभी एक भी मिक्सचर नहीं आ रहा है। केयरफुल होके 2 पलटों के हिसाब से आप पलट सकते हैं इसको। जो फ्लैचुला आप यूज़ करेंगे वो 2 यूज़ करेंगे ताकि ईजिली आप इसे पलट सकें। थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट दोनों तरफ से जब ये ग्रिल हो जाएगा तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो फिर ईजी ही रहेगा आपको पलटना उसे। तो आप 2 करके या 4 करके जैसे भी करके आप करना चाहते हैं तो उसे इस तरीके से शैलो फ्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर है देखने में, और डिफरेंट भी। प्लस जब आप इसको देखिए, फोटोज़ देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ है ये, तो खाने में बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। और ये इवन सारे जो मैंने बताया था, शुगर में, चाहे वेट रिडक्शन में, सब में बहुत हेल्प करता है। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ। इंशाल्लाह हम नए नए वीडियोज़ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।